हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वादे भाई लोग थंबनेल टाइटल देख के गैस कर लिए क्या होने वाला है। तो आज हमारे पास है यामाहा की R15 वर्जन 4। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका सीट हाइट चेक कि कितने फुट का इंसान इसको चला सकता है। जैसे कि कुछ लोग 5 फुट के होते हैं, कुछ लोग 4 फुट के होते हैं, कुछ लोग 6 फुट के भी होते हैं। तो आज मैं करने वाला हूँ कि कितने फुट का बंदा इसको चला सकता है, आराम से बैक कर सकता है, और कितने फुट का इंसान इसको चला सकता है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे राइडर्स हैं, काफ़ी मतलब नॉर्मल मैं बंदों को लाया कि जिनकी हाइट कम भी है, जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि कितने हाइट का बंदा इस बाइक को चला सकता है, कितने हाइट का बंदा इसको मतलब कर सकता है। और कुछ चीज़ें होती है, स्किल भी मैटर करती है कि स्किल होनी चाहिए भाई, बंदे की हाइट मैटर नहीं होती। जैसे कि मेरी तो स्किल होनी चाहिए, उससे भाई बंदा चला सकता है। बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, स्किल बहुत ज़रूरी है। सही कहा, स्किल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये स्किल वाला, तो ऐसा कुछ करने वाला है। तो आज हम लोग इसकी सीट हाइट चेक करेंगे। बाकी हमारे साथ हैं जो राइडर्स हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जिशान भाई है अपने, जिशान भाई इधर आ जाइए। देखो ये जिशान भाई हैं, इनका क्योंकि वेट भी है और इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी, तो ये चला सकते हैं। एंड अपने पास एक युवराज भाई है, क्योंकि इस बंदे की हाइट छोटी है, तो ये भी इसका भी चेकअप होगा कि ये बंदा चला सकता है। और एक अपने पास अंशु भी है कि जिसकी हाइट मतलब नॉर्मल है कि हाँ बंदा चला सकता है, सही है हाइट। तो ये रहा, तीनों बंदे दिखा दो। तो तीनों बंदे हैं अपने पास। बाकी अपने पास एक बहुत ही लंबा बंदा भी है जो कि ये रहा, तो ये भी है। तो अभी इन सबकी हाइट चेक करते हैं। बाकी पहले बैठेंगे अपने जिसे, क्योंकि युवराज भाई की हाइट सबसे छोटी है, तो युवराज भाई की हाइट चेक करते हैं अपनी R15 वर्जन 4 पे कि हाँ बैठने पे ठीक आ रहा है कि नहीं। तो युवराज भाई सीट ले लो, बाकी सीट ये देख सकते हो। तो अपने युवराज भाई बैठ चुके हैं R15 पे। तो युवराज भाई अपना स्टैंड हटा दो, देखते हैं कि क्या सीन है। युवराज भाई आपकी हाइट कितनी, ये बार एक बार बता देना अपने। 4 फुट 3 इंच के युवराज भाई हैं। तो युवराज भाई के पैर कुछ इस तरीके से पहुंचे, जैसे कि दिख रहा होगा टोप खाली पहुंच रहा है, अंगूठा पहुंच रहा है। बाकी अपन भाई पूरे राइडिंग बूट्स पहनते हैं तो थोड़ी हाइट और इंक्रीज हो जाती है। तो युवराज भाई कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल आप चला पाओगे कि नहीं R15 को चला पाओ, क्योंकि इनके पास खुद से एक R15 वर्जन 4 है। और युवराज भाई अच्छा एक चीज दिखा दो कि आप R15 को थोड़ा बैक करके दिखा दो, क्योंकि सबसे बड़ी मेजर डिफरेंस आता है भाई बैक करने में, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बैक करने। तो युवराज भाई मतलब 4 फुट का बंदा चला सकता है अगर स्किल है तो। क्यों युवराज भाई, स्किल होगी तो ही चला पाएगा, वरना तो हाइट इज द मैटर भाई। तो युवराज भाई अभी नेक्स्ट बुलाते हैं हम लोग अपने अंशु भाई को आएंगे, क्योंकि भाई इनकी हाइट एकदम नॉर्मल है, क्योंकि इनके पास खुद है R15 वर्जन 4। तो इनको बैठाते हैं, इनसे पूछते कि कैसा वेट कम है, हाइट तो नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल आराम से भाई, देखें तो चला ये उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। नहीं नहीं, तो इनके भाई जो पैर पहुंचे वो कुछ इस तरीके से पहुंचे इनके, मतलब आप अंशु भाई अपनी हाइट बता दो कितनी है। 5'3" या 5'4" 5'5" 5'3" की इनकी हाइट है। तो 5'3" हाइट है इनकी। बाकी इनके अंगूठे से क्या मतलब तरवे तक का टच हो रहा है, तो इनकी 5'3" हाइट है इनकी। भाई आपकी कितनी हाइट थी? 4'3" मतलब डिफरेंस देखो इतना आ रहा है। बाकी अंशु से कहते बाइक गाड़ी बैक करके दिखा, अंशु गाड़ी बैक करके दिखाना, आराम से हो रही है ना, नॉर्मल कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ है। बाकी अभी अपने जिशान भाई को बुलाते हैं, और जिशान भाई आएंगे। जिशान भाई की तो बॉडी शॉडी है, तो इनको तो कोई मैटर ही नहीं भाई, मतलब जिशान भाई अपनी हाइट बता दो एक बार। 5'8" 5'8" 5'8" का बंदा, पूरा इंसानी आदमी है ये तो पूरा। तो बाकी इनको तो कोई डिफरेंस नहीं, इनका तो पैर ऐसे ऐसे पहुँच रहे, एकदम पूरा पूरे पैर ही पहुँच रहे हैं। और इनसे अगर बैक करने के लिए कहते तो ये तो कौन नचा दे गाड़ी को। ये लो भाई आराम से जा रही भाई, लो भाई इनके लिए तो आराम से है, क्योंकि इनका वेट भी है प्लस हाइट भी है, मतलब जानते हो ना बॉडी बिल्डर इंसान, इनके लिए तो कुछ भी नहीं। और अब लाते सबसे लंबा बंदा अपने पास, तो अपना बंदा जा रहा है भाई, जाओ। तो भाई तुम्हारा नाम बता दो एक बार। भाई सैम। सैम भाई आ रहे हैं, तो सैम भाई की हाइट बता दो। सैम भाई हाइट कितनी है? 5'9" 5'9" सबसे लंबे 6 इंच में, देखो भाई 6 फुट का होते होते, चलो देखा जाए। तो ये देख सकते हो इनके पैर पूरे पूरे पहुंच रहे हैं भाई, मतलब पूरे पूरे, इनसे तो बैक होनी होनी आराम से, कोई दिक्कत ले हो एक हाथ से। तो भाई ये कुछ सीन है। बाकी एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ कि मेरा क्या सीन है, मैं पहुंचता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी भी 5'3" या 4" ही होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई। भाई लोग मेरी हाइट है भाई 5'2" तो मैं दिखाता हूँ अपनी लैला पे बैठ के। तो भाई लोग मेरे में तो कोई ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं राइडिंग बूट्स पहनता, थोड़ी हाइट और इंक्रीज हो जा सकती है। और ये लो यार आराम से होता है, मतलब हाँ कि आप चला सकते हो, आपकी हाइट मैटर थोड़ा सा करती है, बाकी अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बढ़िया से चला सकते हैं। बाकी यही शॉर्ट ब्लॉग था, तो देख ही सकते हो R15 वर्जन 4 है, इसकी सीट हाइट में मतलब ऐसा कुछ सीन है। तो इसमें भाई बंदा चला सकता है, हाँ 4.5 फुट से चला सकता है अगर उसके पास स्किल है, वरना तो 5 फुट का बंदा आराम से चला सकता है। और
बाइक भी देखने में काफी बढ़िया लग रही, काफी ज्यादा सेक्सी लग रही भाई। बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए व्लॉग बनाना चाहिए। क्या कहते छोटे, बनाना चाहिए ना व्लॉग? ये देखो बंदे, भाई लोग देखने आ जाते हैं, मतलब व्लॉगिंग इतनी प्यारी करता हूँ। तो ये कुछ सीन है। तो आई होप ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी सी व्लॉग था, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।